हेलो एवरीबडी गाइस, माय नेम इज प्रदीप शर्मा। आई कम हियर टू टेल यू अबाउट बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें इससे पहली वीडियो में होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब सजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, समझा दिया था। अब मैं स्टडी कराता हूँ आप लोगों। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूँ, होमोलोगस श्रेणी मतलब सजाते श्रेणी। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, नंबर एक मैंने कहा आपको एल्केन, ये नेम आपको याद कर लेने हैं। एल्केन, एल्केन का फंक्शन ग्रुप होगा सी सिंगल बॉन्ड सी, और इसका सफिक्स है, देखो बाद में साउंड आई है एन, तो इसका सफिक्स होता है बच्चों एन। इसके बाद नंबर दो मैंने तुम्हें बताया एल्कीन, एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, एल्काइन 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 सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नंबर चार पर आता है बच्चों आपका अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल सिंगल बॉन्ड ओएच, अल्कोहल सिंगल बॉन्ड ओएच। नंबर पांच आपका आता है एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, और आप इस तरीके से लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नंबर पांच छह पर आ गया आपका कीटोन। बच्चों कीटोन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड, और करके लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, कीटोन। बच्चों इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर सात, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और करके इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, दैट इज बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके बाद नंबर एट पर आपका आ गया बच्चों एमाइन, जो आपके एमाइंस हैं यानी कि जो एमीन्स हैं आपकी, एमीन क्या होती है सिंगल बॉन्ड एनएस टू, एमाइन सिंगल बॉन्ड एनएस टू। नंबर नौ पर आपका बच्चों एमाइड, एमाइड्स क्या होंगे आपके सिंगल बॉन्ड सी ओ एन एस टू, सिंगल बॉन्ड सी ओ एन एस टू, और इसको आप लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन एस टू माइड। बच्चों आपका नंबर टेन एस्टर, एस्टर सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ आर सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ आर एस्टर। नंबर इलेवन बच्चों आपका ईथर, ईथर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। बच्चों ये ईथर, अभी मैंने इनके सफिक्स में बता रहा हूँ तुम्हें, एल्कीन, एल्कीन का सफिक्स होता है ईन, एल्काइन, एल्काइन का सफिक्स होता है बच्चों आइन, एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स होगा बच्चों ओल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है बच्चों अल। इसके बाद कीटोन, कीटोन का सफिक्स होता है बच्चों ओन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसके बाद बच्चों एमीन, एमीन का सफिक्स होता है अमाइन का, अमाइन ही होगा, अमाइड का अमाइड ही होता है। एस्टर, एस्टर का सफिक्स होता है बच्चों ओइक। ईथर, ईथर का सफिक्स होता है ऑक्सी, ऑक्सी होता है। बच्चों अगर ध्यान दें, ये जो आपके एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन, दैट इज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, ये प्राथमिक अनुलग्न होता है, और ये जितने भी हैं बच्चों और भी हैं, और भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये कहलाते हैं सारे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सब्जेक्ट होते हैं यानी कि द्वितीय गणना। बच्चों जब आप आईपीएससी में नोमैनी कल्चर की स्टडी कर रहे होंगे यानी कि आईपीएससी मेथड से नोमैनी कल्चर आप बनाना सीखेंगे अगले लेक्चरों में, तो ध्यान देने एक पॉइंट उसका यहीं पर क्लियर कर देता हूं। आप हमेशा सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स में ही ऐड करोगे, यानी कि आपका जब आईपीएससी का रूल पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आएगा प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स को ऑलवेज ऐड किया जाता है प्राइमरी सफिक्स में, और प्राइमरी सफिक्स से आप ई को हटाकर सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चों इन चीजों को आप नोट कर लें और याद कर लें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ और भी मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत जरूरी है। बस ध्यान देंगे इसके बाद एसिड हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है COX। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एक्स, हैलाइड मैंने एक्स आपको पहले बता दिए थे। इसका सफिक्स होता है ओइल हैलाइड। तो ओइल हैलाइड इसके बाद बच्चों एन हाइड्राइड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, इसका सफिक्स होता है बच्चों ओइक एन हाइड्राइड एन हाइड्राइड सिंगल बॉन्ड एक और होमोलिगस स्ट्रेच सल्फोनिक एसिड बच्चों सिंगल बॉन्ड SO3H सिंगल बॉन्ड SO3H सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है। बच्चों और भी मैं आपको बता रहा हूं, एक आपकी साइनाइड जो होता है बच्चों क्या होता है सिंगल बॉन्ड CN इसका सफिक्स होता है बच्चों नाइट्राइल। तो ये कुछ कॉमन से मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस स्ट्रक्चर के नेम बता दिए हैं और उनके सफिक्स भी बता दिए हैं। सफिक्स मतलब अनुलग्न, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक समूह, और होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका सजातीय श्रेणी। इन सभी को आपको डेफिनेटली याद करने लाना है, बिल्कुल याद करने लाना है, क्योंकि इनके बिना ना तो आप कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन्हें अवश्य याद कर लेंगे। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। आज मैंने तुम्हें फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस स्ट्रक्चर और ये चीज़ें बताई। अभी मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। आज मैं तुम्हें इन सीरीज के कॉमन फॉर्मूले बताता हूँ और उन कॉमन फॉर्मूलों से किस प्रकार आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो इसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। सबसे पहले हेडिंग होगा आपका सम कॉमन फॉर्मूला, सम कॉमन फॉर्मूला। अब देखिए कॉमन फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे मैंने एल्केन कहा, होमोलोगस सीरीज का हर एक होमोलोगस सीरीज का एक कॉमन फॉर्मूला होता है बच्चों। जैसे मैंने एल्केन की बात करूं तो एल्केन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2 CnH2n+2। एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n-2। दैट इज
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बच्चों ये हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस होमोलोगस स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है इसलिए ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ही क्या होती है, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होते हैं ये कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। फोर अगर इसके बाद मैंने कहा आपको अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है CnH2n+2O, दैट इज कॉमन फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। मैंने बताया था ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो अल्कोहल CnH2n+2O हो गया। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2NO। ऐसे ही आपका कीटोन, कीटोन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2NO। द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी सेम, बट द नंबर ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन 3, 4, 6 एंड सो ऑन आर पुट इन द कीटोन कॉमन फॉर्मूला, एंड द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इन द एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड एन इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो एल्डिहाइड वाले कॉमन फॉर्मूले में आप एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, बट आप यहां कीटोन वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू 3 से ही स्टार्ट करोगे। अगर आप लोगों ने एन की वैल्यू 2 रख दी तो इस फॉर्मूले से आप कभी भी कीटोन नहीं बना सकते, एल्डिहाइड तो बन जाएगा। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2NO2, CnH2NO2 ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों। और करके आप इसको ऐसे ले सकते हो CnH2n+1COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फॉर्मूले में n बराबर आप 1 से पुट करोगे, n बराबर 1, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं n की वैल्यू पुट करके आपको इन फॉर्मूलाज में दिखाऊंगा। जैसे मैं एल्केन की बात कर लेता हूं तो CnH2n+2, CnH2n+2 में n बराबर आप 1 पुट करोगे तो C1H2, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है 1+2, तो आप भली बात ही जानते हैं C तो 1 हो गया, एक की मल्टीप्लाई किसी को कोई फैक्टर नहीं पड़ने का तो C का C रहेगा, 2 1 2, H का आगे इसके बाद H, 2 1 2 और 2 कितने हो गए 4, तो CH4। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस स्ट्रक्चर इज CH4। After that, we will put the value of N2, the value of N2. So, C2H2 value of N2 to the 4 to 6, C2H6. So, we will get C2H6. The second formula of alkane homologous series is C2H6. अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था होमोलोगस सीरीज के जो ओडली मेंबर होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, वो बात मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। अब जरा ध्यान दें यहां पर कितने कार्बन है, एक, देखो यहां पर कार्बन नंबर एक है, यहां पर 1 पुट करा तो इसका क्या ऑर्डर में क्या आएगा, नंबर 2 आएगा, तो यहां 1 पुट करा और यहां पर क्या है 2, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है दोनों में, एक कार्बन। यहां कितने हाइड्रोजन है 6, यहां कितने हाइड्रोजन है 4, दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 हाइड्रोजन का, तो देखो CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ही जब आप नंबर नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ n इज 3, तो C3 बन जाएगा और 3 2 6 8 बन जाएगा। अब ये ऑर्डर नहीं दो हुए तो इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, CH2 का डिफरेंस होता है। अब मैं 4 पुट करूं, 4 पुट ना करूं, सीधा CH2 जोड़ दो तो C4 हो जाएगा, एस टेन हो जाएगा। तो मैंने बताया था कोई भी होमोलोगस सीरीज हो उनके दो ओडली मेंबर में हमेशा CH2 का डिफरेंस होगा,
ये बात आपकी अप्रूव भी हो चुकी है। अभी मैं आईपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनके नेम नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ध्यान रखना। वैसे इसका नाम मेथेन है, सॉरी मेथेन, इसका नाम मेथेन होगा, इसका नाम प्रोपेन होगा, इसका नाम ब्यूटेन होगा। वो तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से नेम होंगे, चैन भी बनाने सिखाऊंगा। तो आप इस तरीके से ऐसे ही मैं आपको एल्कीन में चैन बनाने सिखाता हूँ, एल्कीन में, एल्काइन में, सब में आप एन की वैल्यू पुट कर देते हो। जैसे मैं और भी आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर CnH2n है मेरे पास, अब मैं यहाँ पर एल्कीन लेकर के चलता हूँ, ये वाली मेरा, आप चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पर देखो एन की वैल्यू यहाँ बराबर 2 पुट होगी, 1 पुट नहीं करोगे। यदि आप लोगों ने 1 पुट कर दी तो 2 × 2 कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, तो क्योंकि हाइड्रोजन कितने बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन, दो ही हाइड्रोजन बैठेगी तो 2 बॉन्ड बन पाएंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड होने अनिवार्य है। तो इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, 1 नहीं। तो यदि मैंने आयन की वैल्यू 2 पुट कर दिया, C2H4 तो जरा जान ले C2H4। अब नेक्स्ट मेंबर आपको निकालना है तीन होमोलोगस सीरीज का, तो इसमें आप CH2 ऐड कर दोगे या नंबर 3 पुट कर दोगे, उससे अगला निकालना है तो आप 3-4 पुट कर दोगे, इससे आगे निकालना है 5 पुट कर दोगे, सब की सब क्या कहलाएगी एल्काइन। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो, जैसे मैंने बताया था CH4 हो गया, C2H6 होगा, C3H8 होगा, C4H2 होगा, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, क्योंकि कॉमन फॉर्मूले से बनी है एल्केन के। सिमिलरली एवरी होमोलोगस सीरीज बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखती है, क्योंकि एक ग्रुप है, यो एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होमोलोगस सीरीज, और इनकी जो पहचान है वो इनका फंक्शनल ग्रुप कराता है। कैसे, अभी देखो CH4 स्ट्रक्चर बना लो, एक बॉन्ड एच ये हो गया, एक ये हो गया एच, तो क्या है सिंगल बॉन्ड है। अभी मैं इसकी बना के दिखाता हूँ, एक सी हो रहा, 1, 2, 3, 4 मैंने बताया था ना। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, सी सिंगल बॉन्ड सी, किसकी पहचान, किसका फंक्शनल ग्रुप था बच्चों, एल्केन का होता है, इसलिए ये एल्केन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आगे की बातें साझा करूंगा, लेक्चर नंबर 4 में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।